और उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों में इतनी बुलंद आवाज किसी नेता की नहीं होगी जितनी यार और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था और मैं नया नया मुख्यमंत्री था तो सोचो सदन में मैं कैसे पेश करता हूंगा। जब मैं शपथ लेकर के सदन पहुंचा हूं और पहली बार सदन को मैंने अपना भाषण दिया उससे पहले मैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुनता था तो इतनी क्लियरिटी साफ सुथरा और सीधा बोलने वाला कोई नेता मैंने नहीं देखा। जब वो बोलते थे तो लगता था कि कोई नेता बोल रहा है। तो मैं उस समय से देख रहा हूं और आज तो हम दोनों के साथ बोल रहे हैं तभी तो केवल एक दल को परेशानी नहीं है, केवल एक दल को परेशानी नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो डबल इंजन वाली सरकार को परेशानी हो रही है। हो रहा था उसको अपने दिल और दिमाग में रख करके उन्होंने जो शुरुआत की वो शुरुआत ऐसी हुई कि धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जहां उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके जो समाज सबसे पीछे था, जिस समाज को कोई सम्मान नहीं दे रहा था, जिस समाज को जो अधिकार मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिले थे, जो संघर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जो संविधान देकर के उन्हें अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी नहीं दिया जा रहा था। उस समय माननीय काशीराम जी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में लोगों के पास जाकर के गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को जोड़ने का काम किया।